आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन इस वक्त पर्यटकों के लिए खोला गया है। 30 हेक्टेयर की जमीन पर फैले इस बगीचे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पर्यटकों के लिए खुला कश्मीर का गुलदस्ता, 15 लाख फूलों से सजा है बगीचा। 30 हेक्टेयर भूमि वर्ग में फैला है ट्यूलिप गार्डन। 6 महीने खर्च चलाने वाला फूल, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाला ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के जबरवान रेंज की तलहटी में 30 एकड़ में फैला है। इस गार्डन को आमतौर पर सिराज बाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जानते हैं। 23 मार्च से इस गार्डन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसका उद्घाटन प्रमुख सचिव डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने किया। जबरवान पर्वत, श्रृंखला की तलहटी और राजसी डल झील के किनारे स्थित सुरम्य उद्यान ट्यूलिप गार्डन में खिले लाल, पीले और गुलाबी रंग के खिलने वाले फूल और देर से खिलने वाले ट्यूलिप के फूलों में कई तरह की किस्म देखकर सैलानियों के बीच जबरदस्त खुशी दिखी। इस गार्डन के इतिहास की बात की जाए तो कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाग वर्ष 2007 में हुई थी इसकी शुरुआत। जमीन सिराजुद्दीन नाम के शख्स ने की थी। 1974 में सिराजुद्दीन पाकिस्तान चले गए। जमीन सरकार के पास आ गई थी। हॉलैंड से 60-70 लाख रुपए के फूल मंगाए जाते थे। हॉलैंड में है ट्यूलिप का सबसे बड़ा भाग। 2008 में फूल की खेती और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे खोल दिया गया था। इसका उद्घाटन उस समय के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने किया था। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 60 से अधिक किस्म के लगभग 15 से अधिक ट्यूलिप समेटे हुए हैं। इस गार्डन में ट्यूलिप के अलावा जलकुंभी, डेफोडिल्स और रेनिकुलस के पौधे भी मौजूद हैं, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। वसंत में घाटी में मौसम सुहाना हो जाता है। इस दौरान ट्यूलिप गार्डन में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। ट्यूलिप गार्डन में खिले फूलों की अलौकिक सुंदरता देखकर पर्यटक खिंचे चले आते हैं। बता दें कि श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील के किनारे जबरन पहाड़ियों के दामन में स्थित ट्यूलिप गार्डन लगभग 30 हेक्टेयर भूमि वर्ग में फैला है। वैसे भी कश्मीर के अजूबों में गिने जाने वाला ट्यूलिप गार्डन दुनिया भर के पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इसे दुनिया के 3 ट्यूलिप गार्डनों में गिना जाता है, जिसमें हॉलैंड और नीदरलैंड के ट्यूलिप गार्डन भी शामिल हैं। पहली बार इस ट्यूलिप गार्डन को 2007 में खोला गया था। उसके बाद से हर साल यह सैलानियों का दिल जीतता है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि कश्मीर पहुंचने वाले सैलानी बिना ट्यूलिप गार्डन को देखे नहीं जाते हैं। वहीं अगर हम ट्यूलिप फूल के इतिहास की बात करें तो इतिहास में ट्यूलिप का सफर, ट्यूलिप सबसे पहले तुर्की में पाया गया। वर्ष 1554 में फूल तुर्की से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। 1571 में ट्यूलिप ऑस्ट्रेलिया से हॉलैंड पहुंचा।
वर्ष 1577 में इंग्लैंड में ट्यूलिप की खेती शुरू हुई। वर्ष 1559 में कॉनरेड गेसनर ने फूलों को शोहरत दी। कॉनरेड गेसनर के नाम पर ट्यूलिप का वैज्ञानिक नाम पड़ा। वहीं इस समय घाटी में यह पर्यटन के पीक सीजन की शुरुआत माना जाता है। पिछले साल यहां 2,00,000 से अधिक पर्यटक घूमने आए थे। जबरवॉन रेंज और डल झील के समीप स्थित इस गार्डन के पास और भी कई खूबसूरत जगह हैं। जबरवॉन पहाड़ी के ऊपर स्थित सीढ़ी नुमा आकार में 7 टेरेस पर बनाया गया एक और गार्डन है, जिसे परी महल या पैलेस ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस बार तेज ठंड, बारिश और बर्फबारी के कारण फूलों को खिलने में देरी हुई है। कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया के लोगों को प्रभावित किया। इस दौरान ट्यूलिप गार्डन भी इसे अछूता नहीं रहा। यही कारण था कि इसे पिछले साल बंद रखा गया था। हालांकि इस बार यहां आने वाले पर्यटकों की कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल भी लागू किया गया है। इस बार गार्डन में जगह जगह तैनात स्वास्थ्य अधिकारियों ने पर्यटकों में संक्रमण की जांच कर रहे हैं। वहीं ट्यूलिप गार्डन के बारे में आईएएस अधिकारी शाहिद चौधरी सोशल मीडिया पर बताते हैं, इस ट्यूलिप गार्डन को सजाने संवारने के लिए 50 से ज्यादा माली पूरे महीने इसकी देखभाल करते हैं। ट्यूलिप गार्डन के खुलने से पहले दिन से ही लगातार यहाँ लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। वैसे यहाँ आमतौर पर अप्रैल माह में खोला जाता था, लेकिन कोरोना के कारण चरमराई पर्यटन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह समय से पहले खोला गया। यही कारण है कि इस बार ट्यूलिप के फूल ढंग से नहीं खिले हैं। इन फूलों के बेहतर ढंग से विकसित न होने के पीछे अधिकारी मौसम के उथल पुथल को भी मानते हैं। कोरोना को देखते हुए इस बार ट्यूलिप गार्डन में प्रवेश के लिए ई टिकटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। गार्डन के खुलने से पर्यटन और होटल व्यवसाय, शिकारा कारोबार से जुड़े लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि कोरोना के कारण उनका रोजगार ठप था। अब देखना अहम होगा कि ट्यूलिप गार्डन पर्यटन अर्थव्यवस्था को कितनी गति दे पाता है। न्यूज डेस्क प्राइम टीवी। हमारे खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।